गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के अप्रोक्स 10:15 होने को है और अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले उठे हैं, ब्रश व्रश कर लिया, अभी जाएंगे नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद देखिए और आगे का दिन कैसे स्पेंड होता है, आज के दिन में क्या क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल एक काम ये है कि मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, तो हमें जाना है चौक, और चौक में जाके पान दरीबा करके मार्केट है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, ज़्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का ही काम होता है, मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज वगैरह भी मिल जाती हैं बहुत इजीली। और तो अभी वहाँ जाना है, कुछ मोबाइल का काम उसको करवाना है, मतलब मेरे फ्रेंड को ही काम कराना है मोबाइल से रिलेटेड। और मैं सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ा अपने मोबाइल के कवर ओवर और स्क्रीन की भी कुछ चेंज करवा लूँगा। और मेरा छोटा भाई भी, उसका भी बैक ग्लास ख़राब हो गया मोबाइल का, तो देखते हैं उसको भी हो सकता है रिपेयर कराना होगा। तो अभी नाश्ता करके निकलेंगे सीधे वहीं, पहले जाएंगे अपने फ्रेंड के घर, वहाँ उसको रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे वहाँ चौक, फिर वहाँ जाएंगे पानदरीबा मार्केट में, फिर वहाँ देखते हैं क्या काम होता है कैसे होता है, तो देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं चौक में, और चौक में जाके फिर हमें जाना है पानदरीबा मार्केट। तो हम फाइनली निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं चौक। तो फ्रेंड्स, अभी हम बाहर से आ चुके हैं वापस घर पे। ये देखिए रहा हमारा हेलमेट और ये रही हमारी बाइक। तो अभी हम आ गए हैं और चलते हैं ऊपर, जो भी काम था वो हो गया, एक आध काम रह गया, बाकी सब काम हो गए, तो बस यही था। तो अब चलते हैं, कपड़ों पे चेंज करते हैं, मोबाइल धुलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के अप्रोक्स 4:30 होने वाले हैं और अभी हम छत पे आए हुए हैं, बोर हो रहे थे और सोने का मन भी नहीं हो रहा था। जब बाहर से आए तो मुँह हाथ धुला, फिर कपड़े वपड़े चेंज किया, उसके बाद लंच किया। लंच करने के बाद अभी थोड़ा नीचे ही थे, फिर अभी ऊपर आ गए हैं क्योंकि बोरिंग सा लग रहा था, सोने का मूड भी नहीं था। तो अभी ऊपर आए, छत पे हैं, बैठे हैं फिलहाल, यहीं हैं अभी। अभी कुछ पतंगियाँ रखी हुई हैं, तो सोच रहे हैं उसी को उड़ाएँ, कुछ टाइम पास कर लिया जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों आज बोरिंग सा लग रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ करने को भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल और ऊपर पतंग उड़ भी रही हैं इधर एक आध दो, तो सोच रहे हैं थोड़ी देर पतंग ही उड़ा लेते हैं, तो देखते हैं फिर आगे, और फिलहाल तो छत ही पे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रात के अप्रोक्स 8 बज रहे हैं और अभी हमें कुछ काम आ गया है, तो जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा घर का सामान लेना है, तो अभी निकलेंगे। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों लोग जा रहे हैं, घर के पास में ही जाएंगे, ज़्यादा सामान नहीं लाना, थोड़ा सा ही लाना है, तो अभी जाते हैं उसको लेके आते हैं, तो चलिए चलते हैं फिर। ये देखिए, यही सामान लेना था, ये रही मैगी, ब्रेड और कुछ अंडे। तो अब इसको लेके हम आ चुके घर। देखिए, ये देखिए डिस्टर्ब कर रहे मनोज, ये हमारे भाई साहब, तो अब चलते हैं, घर आ चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो गाइज, ये अम्मी जी बना रही हैं हमारे अंडा ब्रेड, और ये अभी प्रोसेसिंग में है, बन रहा है। और भी ये देखिए काम चल रहा है बस, तो अभी इसको हम खाएंगे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम बाहर गए थे तो अंडे लाए थे कुछ, और ब्रेड भी था साथ में, और मैगी भी लाए थे। तो अभी रात में घर पे किसी का कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने डिसाइड किया, तो मम्मी ने बोल, हम लोगों ने क्या मतलब, मम्मी ने ही आइडिया दिया कि अंडा ब्रेड बना लेते हैं, सिंपल रहेगा, खा लेंगे, क्योंकि किसी का खाने का कुछ मन नहीं था, तो इसलिए हम गए थे मार्केट बेसिकली लाने। तो बस आज के ब्लॉग में यही एंड करते हैं, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तो मिलते हैं आप लोग से जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, मिलते हैं जल्दी आप लोग से अगले ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय गाइज़।